वेलकम बैक टू आवर सॉलिड वर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे यूजिंग सिंपल स्केच और एक्सट्रूजन कमांड, लेकिन एक्सट्रूजन कमांड हम ऑफसेट के ज़रिए यूज़ करेंगे। और सिमिलरली जो नीचे वाले फीचर्स हैं इनको भी हम एक्सट्रूजन कमांड के ज़रिए ही करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल बेसिक कमांड से यूज़ होगा, लेकिन उन बेसिक कमांड्स को हमने किस तरह यूज़ करना है वो आपने देखते जाना है, एक डिफरेंट ऑफसेट लेवल पे हम एक्सट्रूजन देंगे। तो इसको साथ साथ देखते जाएं हम किस तरह इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर मैं अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट कर लूँगा। सो रिक्वायर्ड स्केच जो मैं सिलेक्ट करता हूँ वो राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, सो दिस इज 65 मिलीमीटर और आउटर की मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज 90 मिलीमीटर। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे मिड प्लेन एक्सट्रूजन करेंगे 190 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम जो पहला पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। अब मैंने ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करना है, तो ऊपर वाला फीचर ज़रा देखते जाएं किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपल फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ, लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं एक फीचर ड्रॉ करूँगा। अब ये इसको कर्व में किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं वापस इस पॉइंट पे जाऊंगा। अब मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे पास कर्व सेलेक्ट हुआ होगा, तो मैं अपना रिक्वायर्ड कर्व यहां पे ड्रॉ करूंगा। और अगेन वो लाइन में कन्वर्ट होके ये मैंने इसको क्लोज स्केच बना दिया। दरमियान में हमारे पास एक सर्कल भी है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ, लेकिन रिक्वायर्ड डायमेंशन से पहले मैं एक रिलेशन ऐड करूँगा। ये पॉइंट कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और ओरिजिन वाला पॉइंट, इनको आपस में वर्टिकल कर देंगे। ओके, अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ, दिस रेडियस इज 37.5 और सर्कल का डायामीटर मेरे पास 37.5 है। इस सर्कल का ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज 75 मिलीमीटर। ओके, ये मेरा इस टाइम कम्प्लीटली डिफाइन है। सिर्फ ये वाली लाइन है इसको मैं ओपन ही छोड़ देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम डाउनवर्ड ड्रैग कर लेते हैं, इस पॉइंट पे हम इसको रहने देते हैं। ओके, अब ज़रा देखिए हम किस तरह इसको एक्सट्रूजन दे सकते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे, जो थिकनेस हमने देनी है दैट इज 15 मिलीमीटर, लेकिन ये वाला जो फीचर है हमने ये सेंटर से 15 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा 15 मिलीमीटर और ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास 15 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे ये पार्ट ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब इसी को हमने दूसरी तरफ भी बनाना है तो उसके लिए मिरर कमांड यूज़ करेंगे। सो फ्रंट प्लेन के अबाउट मिरर करेंगे, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड सेलेक्ट करेंगे और इस फीचर टू मिरर क्लिक ओके, तो मेरे पास यही पार्ट दूसरी तरफ भी मिरर हो चुका है। उसके बाद मैंने ये वाले जो इसके थोड़े बहुत एक्सट्रूजन्स हैं जो नीचे भी यहाँ पे शो हो रही हैं इनको मैंने डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं डिलीट फेस की कमांड यूज़ करूँगा। इसके लिए इंसर्ट में जाऊँगा, फेस कमांड में जाऊँगा और डिलीट कमांड में जाऊँगा। जिन भी फेसेस को डिलीट करना है उनको सेलेक्ट कर लेना है। और सिमिलरली इस साइड पे भी मेरे पास ये वाले फेसेस हैं। डिलीट एंड पैच ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, क्लिक ओके कर देंगे तो मेरे पास ये वाले फेसेस इस टाइम डिलीट हो जाएंगे। ओके, अब फाइनली मैंने जो बॉटम पे मेरे पास फीचर है उसको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी मैं यही चीज़ करूँगा, ऑफसेट कमांड यूज़ करूँगा। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में जाते हैं, यहाँ पे मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक एग्जैक्टली सेंटर में
और एक मैं सेंटर लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं सेंटर लाइन का, सेंटर लाइन के साथ डिस्टेंस इज 55 मिलीमीटर और इस सेंटर लाइन को मैंने 115 मिलीमीटर देना है। ओके, मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं ऑफसेट एंटिटीज में जाऊंगा और मेरे पास यहां पे इस लाइन के ऑफसेट मैंने एक लाइन ऐड करनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मिलीमीटर, दोनों डायरेक्शन में होनी चाहिए। और उसके बाद कैप एंड्स हमारे पास ऑप्शन होती है आर्क में या लाइंस में, मुझे आर्क में चाहिए। क्लिक ओके करूंगा तो मेरे पास ये वाला फीचर ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है। सिर्फ ये फुली डिफाइन इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके ओरिजिन को और अपने ओरिजिन के साथ कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और हमने हॉरिजॉन्टल कर देना है, तो मेरे पास ये कम्प्लीटली डिफाइन होगा। कुछ मैंने होल्स के लिए स्लॉट्स क्रिएट करनी है तो इस पॉइंट पे मैं सर्कल्स ड्रॉ कर लूँगा एंड पॉइंट्स पे और इनको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे दूंगा विच इज 20 मिलीमीटर और इसी सर्कल का रिलेशन ऐड कर देंगे दूसरे सर्कल के साथ, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इक्वल रिलेशन दे दूंगा। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कम्प्लीटली डिफाइन है। उसके बाद मैंने यही पूरा स्केच मिरर करना है दूसरी तरफ, तो इन सारी लाइंस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा ओके। सो मिरर में जाएंगे और इन सारी लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे और ये मेरे पास इस टाइम फीचर मिरर हो जाएगा ओके। सो ये चीज मेरे पास इस टाइम दोनों स्केच कंप्लीट है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड कॉन्टूअर सिलेक्ट करूँगा, ये वाले और ये वाला, इनको मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है लेकिन कुछ ऑफसेट डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं सिलेक्ट करूँगा, मैं ऑफसेट सिलेक्ट करूँगा और 35 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट है। फाइनली मैंने यहाँ पे एक स्लॉट देना है तो उसके लिए मैं ये स्केच सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसी के अबाउट हम इसको सिमेट्रिक करेंगे। तो ये वाली दोनों लाइंस कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और तीनों लाइन सेलेक्ट करनी है और इनको सिमेट्रिक का रिलेशन दे देना है। फाइनली इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर देंगे विच इज़ 15 मिलीमीटर, बाकी हमारे पास ये ऊपर वाला जो डिस्टेंस है इसको हम ओपन ही रहने देते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कर देंगे ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है, इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एक्सट्रूजन को ऑफसेट एक्सट्रूजन और ऑफसेट कमांड यूज करते हुए हमने इस पार्ट को डिजाइन किया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।